डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं, टिपिकल एनसीईआरटी है, पेपर में ऐसे आते हैं अगर बोर्ड का पेपर खोल के देखेंगे, जिसमें कंडीशंस हमने कर ली। मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा एन लैमडा। मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा 2l + 1 × λ/2। एंगुलर पोजीशन मिनिमा की मैंने बता दिया था, 1λ, 2λ, 3λ। साइन थीटा में साइन थीटा को थीटा लिख लो तो मिनिमा की कंडीशन आ गई। ऐसी साइन थीटा में थीटा लिख लो, ए को यहाँ ले जाओ तो मैक्सिमा की कंडीशन आ गई, ये रही एंगुलर पोजीशंस आ गई। ये मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा कितना होता है, ये डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा है और ये डिस्टेंस ऑफ मिनिमा है, ये डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा है। चलो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मैंने बता दी थी 2λ d/a, लीनियर विड्थ है। एंगुलर स्प्रेड मैंने आपको बता दिया, एंगुलर स्प्रेड का मतलब है कितना सेंटर से स्प्रेड हुआ हुआ है, ये ऐसे स्प्रेड का मतलब ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा ने यहाँ पे जो एंगल बनाया होगा वो थीटा बनाया होगा ऊपर और थीटा बनाया हुआ है नीचे, तो आपका स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक है, ये एंगुलर स्प्रेड पूछ रहे हैं। थीटा बाय ए ऊपर है तो थीटा बाय ए नीचे है, प्लस माइनस। टोटल एंगुलर स्प्रेड कितने हैं, मैंने आंसर लिखवाया था 2θ 2λ/a, ये बात हुई थी। तो एंगुलर स्प्रेड के बारे में अगर न्यूमेरिकली आएगा 2λ/a, ये अभी हमने किया नहीं, नेक्स्ट टाइम का काम है, जितना किया उसके बेस पे ये पहला न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल देखो क्या क्या वैल्यूज गिवन है, देखो कैसे। तो इसमें फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, स्लिट विड्थ क्या होती है, स्मॉल ए, इज ऑब्जर्व विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन। कैलकुलेट हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, हाफ एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है 2λ/a, पर उसने हाफ पूछा तो सिर्फ λ/a, तो साइन थीटा या थीटा λ/a, तो लैमडा पता है, ए पता है, आंसर हाफ आ गया। अब थीटा निगलेक्ट मत करना, साइन थीटा हाफ है तो थीटा आएगा 30 डिग्री, और अगर पूरा पूछता तो इसको क्या करते, डबल कर देते। तो उसने हाफ पूछा तो हाफ निकाल दिया। लाइट जिसकी वेवलेंथ पता है लैम्डा, स्लिट विड्थ स्मॉल ए पता है, कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन का मतलब थीटा निकालना है, और फर्स्ट मिनिमम एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो एंगुलर विड्थ फर्स्ट मिनिमम की क्या होती है, मिनिमम की कंडीशन लगाओ, ए साइन थीटा 1λ, साइन थीटा λ/a, लैम्डा पता है, ए पता है, थीटा की वैल्यू आ गई, तो ये किसकी एंगुलर विड्थ है, फर्स्ट मिनिमम की। और अगर टोटल सेंट्रल की एंगुलर विड्थ निकालनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डबल, क्योंकि 2θ होती है, थीटा फर्स्ट मिनिमम की है, 2θ सेंटर की है। क्लियर है, नेक्स्ट। क्वेश्चन है, माइक्रोवेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर स्लिट ऑफ विड्थ गिवन, ए गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो सी इज न्यू लैम्डा से लैम्डा तो निकालना पड़ेगा। तो आपको स्लिट विड्थ पता है, कैलकुलेट एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, एंगुलर स्प्रेड क्या होता है, 2θ, जिसका फॉर्मूला अभी क्या लिखवाया था, 2λ/a, लैम्डा क्या है, सी बाई न्यू, क्योंकि सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सी स्पीड ऑफ लाइट पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, स्लिट विड्थ पता है, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब बेसिकली अगर आपको फॉर्मूलाज याद है और आप सिंबल्स को समझते हैं तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, सारी गेम ही है कि आपको कितने फॉर्मूलाज याद है। हाँ, एंगुलर स्प्रेड बोला है तो टोटल आधा ही निकालना, सेंट्रल है तो सेंट्रल 2θ में आती है। 48th क्वेश्चन है, स्लिट ऑफ विड्थ ए, तो एक स्लिट है जिसकी विड्थ क्या है, ए, लैम्डा आपको पता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल द फर्स्ट मिनिमम फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। कौन सी कंडीशन लगेगी, मिनिमा की मैक्सिमा,
मिनिमम, वो मिनिमम बोल रहे हैं। मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा एन लैम्डा, लेकिन ये कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा मिनिमा, फर्स्ट एन की जगह वन, तो ये वैल्यू आ गई आपको, थीटा वो दे ही रहा है 30 डिग्री, लैम्डा वो आपको दे रहा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, फॉर्मूला यूज़ कर लिया। और फिर क्या निकालना है, फर्स्ट मैक्सिमा। अब सेकेंड में किसकी कंडीशन लगेगी, मैक्सिमा की, फर्स्ट मैक्सिमा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इस बार आप ए साइन थीटा मैक्सिमा की कंडीशन लगाओ, एन की वैल्यू वन पुट करो, तो ए साइन थीटा थ्री लैम्डा बाई टू, तो आपको क्या निकालना है, ए निकालना है फिर से, और थीटा क्या गिवन है आपको, 30 डिग्री आंसर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है, लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा इज इंसिडेंट एज अ पैरेलल बीम ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ, ए भी पता है, लैम्डा पता है, ए पता है, फाइंड एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो 2x भी निकालो और 2 थीटा भी निकालो, दोनों चीज़ें निकालो, और स्क्रीन इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, तो कैपिटल डी की वैल्यू भी पता है। तो आपको कैपिटल डी पता है, स्मॉल ए पता है, लैम्डा पता है, विड्थ प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ क्या है, 2 लैम्डा बाय ए, और 2x की विड्थ क्या है, लीनियर विड्थ क्या है, 2 लैम्डा डी बाय ए आंसर। तो दो आंसर आ गए। साथ में एक और चीज पूछ रहा है, विच ऑफ दीज विड्थ लीनियर की एंगुलर वुड नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगी अगर स्क्रीन वर टू बी मूव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। पहले स्क्रीन का डिस्टेंस 1.1 है, वो कह रहे डिस्टेंस मैंने कितना कर दिया, 2.2, तो कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, देखो ना एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ में कैपिटल डी यूज ही नहीं होता, इसमें यूज होता है, तो एंगुलर विड्थ चेंज नहीं होगी अगर आप कैपिटल डी को चेंज भी कर देंगे तो भी। ठीक है, यहां तक? नेक्स्ट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर, लैम्डा पता है, फॉल्स ऑन अ नैरो स्लिट एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 1.2 मीटर अवे, कैपिटल डी पता है, लैम्डा पता है, कैपिटल डी पता है, इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट मिनिमम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो फर्स्ट मिनिमम की दूरी कैसे लिखते हैं, एक्स, सेंटर पॉइंट से वो हाइट बता रहा है, इतने डिस्टेंस पे फर्स्ट मिनिमम है, तो विड्थ ऑफ द स्लिट निकालो। फर्स्ट मिनिमा की दूरी होती क्या थी, लिखवाया था एन लैम्डा डी बाई ए, तो एन की जगह वन पुट करेंगे तो फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस आ गया, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए निकालना है, डी पता है, लैम्डा पता है, एक्स वन पता है आंसर। ठीक है, यहां तक? नेक्स्ट है 51, क्वेश्चन है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पता है, विड्थ ए पता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज, कैपिटल डी पता है, एंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन पता है, विड्थ ऑफ द स्लिट ए निकालना है। सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमा की कंडीशन में एन की जगह 2 पुट कर दें तो मैक्सिमा का डिस्टेंस आ गया, आपको मैक्सिमा का डिस्टेंस वो दे रहे हैं और आपसे ए पूछ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी पता है, लैम्डा पता है, डिस्टेंस पता है, सेकंड मैक्सिमा का ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो ए निकाल लेना आंसर आ जाएगा ए का। नेक्स्ट 52,
जो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन। वो कह रहे हैं सेपरेशन किस में निकालनी है, सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। देखो हम डिस्टेंसेस निकालते हैं सेंट्रल मैक्सिमा से, तो हमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की दूरी बतानी है और ए पता है और लैम्डा पता है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू टू थ्री लैम्डा बाई टू ए, क्योंकि अब मैक्सिमा की कंडीशन लगाओगे तो एन की जगह वन पुट करोगे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, तो साइन थीटा की जगह थीटा लिख लिया। थ्री पता है लैम की जीरो इसलिए क्योंकि डिस्टेंसेज सेंटर से ले रहे हैं और सेंटर से तो डिस्टेंस जीरो ही होगा, तो ये वैल्यू आ गई। लैम्डा पता है, ए पता है, यहाँ से आंसर रेडियस में निकाल लेगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। क्वेश्चन है, पैरेलल लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट। तो लैम्डा पता है, सेंट्रल मैक्सिमा स्प्रेड्स आउट 30 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे सेंट्रल पॉइंट। तो आपको याद होगा कि जो सेंट्रल पॉइंट है ये रहा, तो ये आपका सेंटर पॉइंट है, 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर ऐसे। अब सेंटर पॉइंट कहां खत्म होता है, फर्स्ट मिनिमा पे, तो ये एंगुलर पोजीशन किसकी गिवन है, फर्स्ट मिनिमा की। तो देखो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा वन लैम्डा फर्स्ट मिनिमा, तो यहां से थीटा आपको पता है, सॉल्व करके ए निकाल लेना आंसर, डायग्राम से पता लग रहा है। ठीक तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन लगा ली, ए साइन थीटा वन लैम्डा, साइन थीटा लैम्डा बाय ए, तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू आ गई आंसर। और वो कह रहे हैं अगर मान लो जो सेकंड केस है उसमें एंगल हम 90 डिग्री कर दें तो ए की वैल्यू क्या है, तो कुछ मत करो इसमें थीटा की जगह आप 90 पुट कर दो आंसर। दो एंगल्स गिवन है, पहला एंगल 30 गिवन है, दूसरा 90 गिवन है, आंसर। ठीक नेक्स्ट 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 है, स्लिट ऑफ विड्थ गिवन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ये लेंस बीच में देखो कैसे आ गया, एक स्लिट है स्मॉल ए, फोकल लेंथ पता है, स्लिट इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ फोकल प्लेन ऑफ द लेंस। देखो इसमें क्या हो रहा है, वो कौन सा मिनिमा ढूंढ रहा है पहले ये बताओ, फर्स्ट डार्क फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस होता क्या है, ए साइन थीटा वन लैम्डा, साइन थीटा की जगह लैम्डा बाई, तो फर्स्ट मिनिमा ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। एंगल्स छोटे होते हैं तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लेते हैं, लैम्डा बाय ए। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर लेंस के थ्रू हम काम करें और स्क्रीन जो है इसकी फोकल प्लेन है, फोकल लेंथ क्या होती है, जहां साई रेज मिलती हैं फोकल लेंथ है, ये एफ है, तो ये प्लेन क्या होगा, फोकल प्लेन है, तो लेंस से ये दूरी कितनी है, एफ है, और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बना हुआ है, फर्स्ट मिनिमा का मतलब है, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ये एफ है, ये एफ है, फर्स्ट मिनिमा की जो दूरी है यहाँ से कितनी है, एक्स है, तो यहाँ से अगर थीटा लें तो टैन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगी, एक्स डिवाइडेड बाई
एस, एक तो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट तो हो ही गया, और दूसरा केस वो क्या कह रहा है कि लेंस वाला केस ले लो, टैन थीटा थीटा अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो एक बार फॉर्मूला फर्स्ट मिनिमा का और एक बार फॉर्मूला फोकल लेंथ की फॉर्म में निकल गया, इन दोनों को इक्वेट कर लिया। इक्वेट करके यहाँ से एक्स आ गया, फोकल लेंथ पता है, लैम्डा पता है, ए पता है। तो फोकल लेंथ से कैसे कंपैरिजन किया है समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो स्क्रीन वो कह रहे हैं ना फोकल प्लेन पे है, तो स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस कैपिटल डी ले लेना है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, दो वेवलेंथ्स हैं इसमें, एक नहीं है, दो वेवलेंथ्स हैं, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। टू स्टडी द डिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट अ सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर गिवन, तो आपको स्मॉल ए पता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 2 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर है। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन टू केसेस। फर्स्ट मैक्सिमा की जो दूरी है वो डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि लैम्डा डिफरेंट है, दो लैम्डाज हैं तो दो मैक्सिमा आएंगे, उनमें डिस्टेंस क्या होगा ये बता दो। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, लैम्डा वन पता है, लैम्डा टू पता है, ए पता है और डी पता है। फर्स्ट मैक्सिमा क्या होता है, 3/2 लैम्डा डी बाई ए, वो इनकी जगह ऑड मल्टीपल में 1 पुट कर लेना, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा का। तो आपको ऐसे दो डिस्टेंस निकालने हैं, एक बार लैम्डा वन के साथ, एक बार लैम्डा टू के साथ। जो डिस्टेंसेस आएंगे उनका डिफरेंस निकालना है, निकाल लो, चारों चीजें पता है आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व? नेक्स्ट, एस्टिमेट द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम एंड थर्ड ऑर्डर मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ गिवन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इज गिवन। क्या निकालना है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम का एंगुलर पोजीशन क्या होती है, ये होती है, और फर्स्ट ऑर्डर में एन की जगह 1 पुट करके एंगुलर पोजीशन फर्स्ट मैक्सिमा की ये होती है। मिनिमा की एंगुलर पोजीशन का ये फॉर्मूला होता है, कौन सा मिनिमा निकालना है इसमें, थर्ड ऑर्डर तो एन की जगह 3 पुट कर लें, 3 पुट करके आपके पास दो एंगुलर पोजीशंस आएंगी, एक फर्स्ट मैक्सिमा की आई थी और एक थर्ड मिनिमा की आई थी, आपको उनमें डिफरेंस निकालना है। तो एक बार एंगुलर पोजीशन फर्स्ट मैक्सिमा की, एक बार एंगुलर पोजीशन थर्ड मिनिमा की, फिर दोनों को उठा के माइनस करके लैम्डा और ए की वैल्यू पुट करके आंसर। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू पता है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ गिवन टू प्रोड्यूस अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑब्टेन। ये तो बहुत आसान है, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला सेंट्रल का क्या होता है, 2 लैम्डा बाय ए आंसर। फिर वो कह रहे हैं मुझे इसमें लीनियर विड्थ भी निकाल के दो। लीनियर विड्थ में ये कोई थ्योरी मत करो, सीधा फॉर्मूला याद करो, 2 लैम्डा डी बाय ए लीनियर विड्थ है, लैम्डा पता है, डी पता है, ये 2x है, ये वही चीज़ निकाल रहा हूँ 2x, तो ये क्यों करना है, ये सीधा फॉर्मूला ही आ गया इसमें। क्लियर है यहाँ तक? तो एंगुलर विड्थ आ गई, लीनियर विड्थ आ गई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब प्रॉब्लम वो नहीं है, इस पार्ट का आंसर कैसे दोगे, ये वाले पार्ट का, ये पढ़ना, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन है एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ फ्रिंज विड्थ 0.5 mm विच कैन बी अकोमोडेट विद इन द रीजन ऑफ टोटल एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट। क्या मतलब, क्या बोला वो, किसको इसने एडजस्ट करना है?
देखो इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है, आधा क्वेश्चन तो डिफ्रैक्शन का है। वो कह रहे हैं कि जब डिफ्रैक्शन हुआ होगा स्क्रीन के ऊपर, तो ये आपका यहाँ पर ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस है सेंट्रल की, ठीक है, और इसकी विड्थ हमने निकाल ली कितनी, 2x, ये रही इसकी विड्थ क्या होती है, 2λ d/a, ये मुझे विड्थ पता है। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मान लो YDC एक्सपेरिमेंट हुआ होता और YDC एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ 0.5 mm की यहां फिट करनी होती मुझे, ये बीटा गिवन है 0.5 mm का, तो कह रहे इस जगह पे जहां डिफ्रैक्शन हो रहा है वहां फ्रिंज विड्थ को एडजस्ट करना है, तो कितनी फ्रिंजेस एडजस्ट होंगी ये बताओ। तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ को बीटा से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी, 2λ/a, 2λ/a को बीटा से क्या कर दें, डिवाइड। ये नोट कर लेना साइड पे, इसमें बहुत मुश्किल सा अलग पता नहीं क्या किया हुआ है, आप ये नोट कर लें, ये डायग्राम कर लें और साथ में सॉल्यूशन में ये नोट कर लें कि ये जो डिस्टेंस है पूरी स्क्रीन के डिस्टेंस जहां पर सेंट्रल ब्राइट है उसको एक फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दें, तो आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो टोटल टोटल डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकाल लेना आंसर। ये नहीं हो पाएगा, ये भी हमने यहाँ से थ्योरी की नहीं, इतना ही है डिफ्रैक्शन का, इतना ही कॉन्सेप्ट।